अब की बार संघ की शाखा पर आर पार। मध्य प्रदेश में संघ को लेकर चुनावी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस ने सरकारी दफ्तरों में संघ की शाखा पर रोक का शगुफा क्या छेड़ा, बीजेपी तमतमा गई। सीएम शिवराज ने तो चुनौती दे दी, रोक सको तो रोक लो। परिसरों में आरएसएस की शाखाएं लगाने पर प्रतिबंध लगाएंगे। शाखाएं भी लगेंगी, सरकारी परिसरों में भी लगेंगी और सरकारी कर्मचारी भी शाखाओं में जाएंगे, कोई बैन नहीं लगा। चुनावी बिसात पर संघ की शाखा भी चढ़ गई। कांग्रेस ने संघ की शाखा को सरकारी दफ्तरों से हटाने का वचन क्या लिया, चुनावी घमासान छिड़ गया। मध्य प्रदेश में शहर शहर संघ की शाखा देखी जा सकती है। हर सुबह हर शाम खुले मैदान में होने वाली शाखाओं में व्यायाम, खेल, सूर्य नमस्कार, परेड, गीत और प्रार्थनाएं होती हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज की सरकार आते ही संघ को खुली छूट मिल गई। 2006 से ही सरकारी मैदानों दफ्तरों में भी शाखा लगने लगी। सरकारी कर्मचारी भी इन शाखाओं में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहे। लेकिन इस बार कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में संघ के खिलाफ हल्ला बोल कर दिया। कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में सरकारी परिसर में शाखा पर बैन लगाने का ऐलान किया। आरएसएस को पूरी छूट है शाखाएं लगाने का, केवल सरकारी शासकीय परिसरों में नहीं है, जो हर जगह हर प्रांत में जहां भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार है, ये नियम है। फिर क्या, बीजेपी ने इस मसले को हाथों हाथ लपका और संघ पर फिर बैन लगाने की नियत का आरोप मढ़ते हुए पलटवार कर दिया। मुख्यमंत्री शिवराज ने ताल ठोक कर कहा कि सरकारी दफ्तरों में शाखा लगेगी, सरकारी कर्मचारी भी शिरकत करेंगे। अरे संघ पर रोक दो, कोशिश नेहरू जी ने की थी लगाने की, नहीं लगा पाए, हटाना पड़ा। इंदिरा जी ने की थी, हटाना पड़ा। तो आज की कांग्रेस की तो बिसात क्या है, संघ की शाखाओं में शाखाएं भी लगेंगी, सरकारी परिसरों में भी लगेंगी और सरकारी कर्मचारी भी शाखाओं में जाएंगे, कोई बैन नहीं लगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और संघ में हमेशा से 36 का आंकड़ा रहा है। केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद से न सिर्फ संघ का विस्तार हुआ बल्कि स्वयं सेवकों की संख्या भी बढ़ी। इस वक्त स्वयं सेवकों की संख्या करीब 1 करोड़ है, जबकि देश भर में रोज 57,000 शाखाएं लगती हैं। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।